हेलो एवरीवन, आई एम पुष्पेंद्र कुमार, स्टूडेंट ऑफ तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले अपने रैंक कार्ड वाली वीडियो में आपको बताया था कि आईसीआर का रैंक कार्ड 10 अक्टूबर तक देखने को मिल जाएगा, तो आज रैंक कार्ड आ गया है और आशा करता हूँ आप सभी ने अपना रैंक कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। तो मैंने जैसे ही रैंक कार्ड डाला था तो मैंने आपको यूट्यूब पर अपडेट दे दिया था। तो आज रैंक कार्ड आने के बाद में अब आगे की क्या प्रोसेस रहने वाली है वो मैं आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप जो मैं बता रहा हूँ इसमें से एक भी डेट मिस कर देते हो तो आप काउंसलिंग से बाहर भी हो सकते हो, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो दोस्तों, जैसा कि आज से ये ICR का ऑफिशियल जो डेट्स हैं वो उसका शेड्यूल है, तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। आपके ICR की जो चॉइस फिलिंग है वो आज से स्टार्ट हो गई है और वो 15 तारीख तक चलने वाली है। 15 तारीख तक आप अपना पेमेंट करके चॉइस फिलिंग कर सकते हो। उसके बाद में आपकी जो फर्स्ट राउंड की सीट अलॉटमेंट है वो 16 तारीख को हो जाएगी। देखिए, आपका जैसे ही चॉइस फिलिंग का एंड होगा तुरंत दूसरे दिन मंडे को आपकी जो फर्स्ट राउंड की सीट अलॉटमेंट है वो हो जाएगी। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने रहेंगे, वो आप 18 तारीख तक डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। और उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी से आपके डॉक्यूमेंट्स है जो वेरीफाई होकर आएंगे आपके पास, और मतलब आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, वो आपके 21 तारीख को वेरीफाई हो जाएंगे। और फिर भी अगर यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी रखती है तो आप उसका रिसबमिशन भी कर सकते हो, और रिसबमिशन आप 22 तारीख तक कर सकते हो। उसके बाद में आपका दोबारा से यूनिवर्सिटी वेरीफिकेशन करेगी और आपको फाइनली 25 तारीख तक आपको अपना जो सीट है वो एक्सेप्ट कर लेना है। 10,000 रुपये देकर आपको सीट एक्सेप्ट करना होगा। ये 10,000 रुपये आपके आगे जो फीस होगी यूनिवर्सिटी की उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। और फाइनली आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो आपको 27/10 को आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए इनवाइट करेगी, जैसा भी कोई यूनिवर्सिटी करती है या कोई है जो आपको बोल देते हैं कि आपको इतनी तारीख को फाइनली रिपोर्टिंग के लिए आना है ऑफलाइन। तो दोस्तों, ऐसे ही आपका सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट 30 तारीख को हो जाएगा। उसके बाद में आपका सेकेंड राउंड का फाइनल 9 नवंबर को कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरह आपका थर्ड राउंड 13 सितंबर को आ जाएगा और उसका भी कंप्लीट आपका 20/11/2023 को हो जाएगा। इसी तरह आपका फोर्थ राउंड आपका यहाँ पर ख़त्म हो रहा है 30 नवंबर 2023 को। तो दोस्तों, आप देख लीजिए, पूरे 2 महीने आपके यहाँ पर जाने वाले हैं और आगे जो सीट बचेंगी उसमें मोपअप राउंड होगा। तो ये आपका जो काउंसलिंग का प्रोसेस है पूरा 5 राउंड में चलने वाला है। 4 राउंड तो आपके नॉर्मल होने वाले हैं और फाइनल मॉपअप राउंड 5वां राउंड जिसमें जो सीट बच जाएंगी उन सीटों पर होगा। ये आपका इसमें दोबारा से आपकी चॉइस फिलिंग भरान आएगी, जिन लोगों ने अब चॉइस फिलिंग करने में चूक जाएंगे या कुछ भी, लेकिन आपको चॉइस फिलिंग करना है। और इस तरह से आपका ये लास्ट है जो आपका 18 तारीख 12वां महीना यानी 18 दिसंबर 2023 को आपकी फाइनल लिस्ट है, फाइनल आपका फीस एक्सेप्ट करके ऑनलाइन रिपोर्टिंग जो यूनिवर्सिटी आपको क्लियर करेगी वो आपकी ये लास्ट डेट है। तो आज अपना 10 अक्टूबर है और 10 अक्टूबर से ही आपकी काउंसलिंग है जो 18 दिसंबर तक चलने वाली है। तो पूरा नवंबर और दिसंबर और आज तो आप मान लीजिए पूरा 2.5 महीने आपके इस काउंसलिंग में जाने वाले हैं। तो ये तो अपनी बात हो गई इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो दोस्तों, जैसे ही आपका जैसे फर्स्ट राउंड में आपका सीट अलॉटमेंट होगा तो आपको आगे की डेट का ध्यान रखना है कि आगे आपको उसमें जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसके बाद दोबारा से आपको चेक करना है कि यूनिवर्सिटी ने अपना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया कि नहीं किया। नहीं किया तो आपको दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। मैं अगली वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो तैयार करके रखने हैं उसकी वीडियो आपको जल्दी लाने वाला हूँ। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं ऑफिशियल जो ICR ने बताया है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी है वो वीडियो मैं लाऊँगा। एक इम्पोर्टेंट वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलेगी, क्योंकि उसी के अभाव में बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटियों के सब कैंपस में पहुँच जाते हैं और ये पेड काउंसलिंग वाले आपके साथ धोखा करते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं उस यूनिवर्सिटी में आपको एक एक यूनिवर्सिटी के सब कैंपस के बारे में बताने वाला हूँ, तो आपको उस वीडियो को ज़रूर देखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तो आपने हमारे यह पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।